छह बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, छह बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए दो गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, एक साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जिस व्यक्ति छह बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, छह बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए दो गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है।